क्या हुआ था वहां पर? अच्छा, वहाँ गए थे, बर्फ़ देखने गए थे हम। घर वापस आ रहे थे और वापस आते आते हमारा पैर स्लिप हुआ। हम पता नहीं काफ़ी नीचे चले गए, हमको रास्ते का पता नहीं लगा। फिर हमने एक रात ऐसे पत्थर के नीचे गुजारी, और पैर में जूते नहीं थे, कपड़े सारे गीले थे, बर्फ़ जम गया था पैरों में। और फिर उससे अगले दिन जाने की कोशिश कर रहे, लेकिन नहीं पहुंच पाए हम कहीं भी। और उसके बाद हमारे मामा वगैरह आए, उन्हें वो हमें लेकर गए उधर से। हाँ जी, तो जब वहां से आप गिरे थे, क्या तूफान वगैरह चला था या पैर किस बर्फबारी तरह? लगी हुई थी सर तब। अच्छा, हाँ जी, तो फिर फोन आप लोगों ने किया, फोन किसने किया? फोन अच्छा, हमने किया सर बंदों को। हाँ जी, तो अब ठीक हैं आप? अभी ठीक है सर थोड़ा। तो जब आपको वहां पर, आप वहां थे पूरी रात, आपने वहां घाटी, तो ऐसे कोई जानवर का डर या इस तरह का भी आपको? जानवर का डर नहीं सर, वहाँ पे हमें दो लड़कियाँ दिखी थी, पता नहीं वो माता ही थी कि क्या चीज़ थी वो। उन्होंने हमें वैसलीन टाइप मतलब लिप्स में लगाया, लिप्स वगैरह हमारे ठंड के कारण फट गए हुए थे, तो फिर एकदम वो भी गायब हो गए, बस दो यही हुआ। लड़कियां थी। हाँ अच्छा, जी, तो समाचार फर्स्ट के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं किस तरह जो है वह सिचुएशन रही। बता रहे हैं कि कोई दो लड़कियां उन्हें मिली थी, लेकिन कौन थी कोई जानकारी नहीं है। उन्हें बाम जरूर जो है वे लिप बाम दिया था, और लिप बाम से जो है वे थोड़े होंठ ना फटे, इसकी वजह से। आपका क्या नाम है? सत्यम क्या हुआ था दोस्तों वहाँ पर? कुछ नहीं, पैर स्लिप करके था सभी का। आपका पैर स्लिप हुआ था, किसका? सबसे पहले उन भाई का स्लिप हुआ था, ये नीचे पहुंच गए थे, इनको देखने के लिए हम भी ऊपर से गए ना, हम भी पर मतलब रुक नहीं पा रहे थे, पेड़ में बच गए, पेड़ से रुक गए। एक लड़का बहुत नीचे पहुंच गया, उसको लग गई थी, दांत बहुत टूट गए उसके। फिर कैसे न कैसे हम इकट्ठे हो गए एक साथ नीचे जाकर, फिर वहाँ से हम लोग आगे को अड्डू जैसे इतनी कोई थी जगह, वहाँ पर रात को जाने बैठ गए। बैटरी वैटरी ख़त्म हो गई थी फ़ोन की, बहुत बुरे हाल हुए। हाँ तो अभी प्रशासन फिर आपको लेकर आया है, अब ठीक है? क्योंकि जी, हाँ जी, अब ठीक है। इस दौरान जब आप गए थे तो बर्फ वहां पर, जब जा रहे थे तब बर्फ गिर रही थी या आने 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 के समय में गिरी? नहीं, तब गिर रही थी जब हम जा रहे थे, हल्की हल्की गिर रही थी, आते टाइम तेज रुकी थी। तो इनके परिवार के भी सदस्य हैं। एंड जी, अब बेटा सुरक्षित वापस आ गया है, किस तरह देखते हैं? क्योंकि बर्फबारी में काफी ज्यादा जो है वे खतरा भी रहता है। बता रहे कि कोई दो लड़कियां भी इन्हें मिली थी, तो किस तरह की बातें जो है वे आपसे इन्होंने की है? मेरे से तब तक उन्होंने एक बोला, मम्मी जी हम लोग फंस गए थे वहाँ पे, और एक लोकल आया था वहाँ पे, उन्होंने देखा हमको, और पता नहीं फिर हम रास्ता भटक गए थे, बोलते मम्मी पता चला हमको। लोकल भी गए थे ना हमारे, तो सारे गांव के लोग चले गए थे ऊपर को, फिर एमएलए की टीम भी गई थी, एमएलए भी गए थे, तो सब ने मिलजुल के पता नहीं कैसे कैसे इनको घर में पहुँचाया है, उधर टिल्लू में एम्बुलेंस में डाला था, यहाँ पे जाया। मैं तो घर में थी नहीं ना, मैं घर में होती थी, मैंने नहीं इनको भेजना था, अपनी मर्जी से चले गए। नहीं, आपने परमिशन नहीं ली? तो किस तरह देखते हैं आप, क्या कहेंगे क्योंकि सुरक्षित जो है बेटा वापस आ गया? हाँ जी, बहुत बहुत भगवान की कृपा है, मैं मेरा भांजा अच्छी तरह से घर पहुंच गया, और सब बच्चे के लिए दुआ करती हूँ मैं, अच्छे रहे सब, बस जी। तो देख सकते हैं परिवार जो है वे यहाँ पर है, और यहाँ पर उन्हें अब कुछ ना कुछ जो है पिलाया जा रहा है, सेहत उनकी ठीक रहे इसके लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं, उपचार जो है लगातार चल रहा है। अभी सर, मैं सत्यम का पापा हूँ, सत्यम मेरा लड़का है। हाँ जी, तो उनके पापा हूँ। तो किस तरह देखते हैं अभी, सुरक्षित आपका बेटा पहुँच गया है और अभी इलाज कर रहे हैं? सर, अब मैं तो क्या करूँ, मैं एमएलए का धन्यवाद करता हूँ, मैं उनका शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने मेरे और मेरे गांव वाले परिवार हैं जो मुझे साथ दिए, उनको वो मैं शुक्र गुजार हूँ जो मेरा बच्चा आज सही सलामत है। तो हम बाकी युवाओं से भी आग्रह करेंगे कि इस तरह की बर्फबारी में जो है वे ना जाएं, क्योंकि खतरा जो है बहुत ज़्यादा बना हुआ है इस समय, क्योंकि बर्फबारी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, और इस समय जो है अगली बेटा सुरक्षित पहुंचा है, अभी क्या कहेंगे क्योंकि बर्फबारी बहुत ज़्यादा जो है अभी भी जो है पहाड़ों पे होती दिखाई दे रही है। मेरा बेटा रोहित है जी, प्रशासन ने हमारी मदद की, हमारे बच्चों को लाने के बारे में भी मदद की, और यहाँ हॉस्पिटल में भी हमारी मदद कर रहे हैं वो,
और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारे आज बच्चे सलामत हैं यहाँ पर, और हम प्रशासन के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्हीं की वजह से आज हमारे बच्चे जो वो सुरक्षित हैं यहाँ पर जी। तो देख सकते हैं कि परिवार जो है वे खुश है और परिवार के सदस्य जो हैं वे काफ़ी प्रशासन व विधायक विशाल नेहरिया का जो है धन्यवाद करते दिखाई दे रहे हैं। तो मैं थोड़ा लाइव करते करते जो है वे बाहर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि जो दो युवक जो हैं जिनकी मृत्यु हुई है उसके बारे में जानकारी जो है इन्हें नहीं दी गई है, जानकारी इनके साथ साझा नहीं की गई है क्योंकि ये सभी दोस्त हैं और आपस में जो है इनका काफ़ी ज़्यादा प्यार था, जिसकी वजह से उसे अभी इन दोनों युवाओं को जो है उनकी मृत्यु की जानकारी नहीं दी गई है। आप सभी जो है इस वीडियो को शेयर करें, किस तरह जो है युवाओं ने बताया कि एक्सपीरियंस उन्होंने बताया और साथ ही उन्होंने बताया कि जो लोग हैं उन लोगों की धन्यवाद करते हैं, विधायक विशाल नेहरिया का धन्यवाद किया, प्रशासन का धन्यवाद किया और साथ ही बताया कि दो लड़कियां उन्हें ज़रूर रास्ते में मिली थी, दो लड़कियों ने जो है उन्हें लिप बाम दी लेकिन वे कौन लड़कियां थी कुछ ही देर बाद जो है वे अदृश्य होगी। तो ऐसे में इन युवाओं का कहना है कि वे कोई देवी रूप था। तो ये घटनाएँ हैं, आपके साथ इसी तरह की वीडियो जो है वे शेयर करेंगे और लाइव वीडियो जो है वे आप देखते रहें और वीडियो को शेयर करना भूलें। बताया जा रहा था कि पैर फिसलने के कारण एक युवक नीचे गिर गया था, उसके दांत टूट गए थे और उसे लाने के लिए वे नीचे उतर गए थे और रास्ता भटक गए थे जिसकी वजह से ये हादसा हुआ और हादसे में दो युवकों की जान चली गई है लेकिन इन दोनों के बारे में जानकारी जो है वे नहीं बताई गई है।